तो आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। तो ये 12th क्लास की ही बायो है जो हमारा टॉपिक है इसका, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें कंसेप्ट एंड नीड इसमें वो कह रहा है जी, एनिमल एंड प्लांट शो डिफरेंट फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एनिमल इज़ लोकोमोशन, क्योंकि इनके दरमियान जो लोकोमोशन होती है वो मुख्तलिफ होती है जानवरों के दरमियान और पौधों में। तो सबसे पहले जो वो कह रहा है जी, स्पोर्ट इन प्लांट्स, द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर स्टीम, इसमें स्टीम आ जाता है, रूट लीव, स्टीम गिव सपोर्ट टू प्लांट, इट आल्सो एक्ट एज सप्लाई लाइन बिटवीन रूट एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व फॉर सपोर्ट्स ऑफ स्टीम, दीज आर टर्गर प्रेशर, जो तनाव ये इसमें एक टर्गर प्रेशर, ये सवाल बहुत अहम है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन आप कर लें। तो यह इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन प्लांट सेल इज का टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर आगे इसमें सिग्निफिकेंस, ये इसके अलामत क्या है टर्गर प्रेशर की, जनरेशन ऑफ टर्गर प्रेशर, तो ये अहम इसके जो है टॉपिक है। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, इसके अलावा ये दो सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये सारे प्लांट की जो मूवमेंट है उसमें आ जाती है। बाकी मूवमेंट इन प्लांट्स ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक मूवमेंट क्या होती है, ऑटोनॉमिक क्या होती है, इसके अलावा मोनो क्या होती है, पैराटोनिक मूवमेंट क्या होती है, तो रूल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस इन प्लांट मूवमेंट, ये अहम टॉपिक है, ये भी आपने लाजमी तैयार कर लेने। इसके अलावा जो है आ जाता है वो आ जाता है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, इसमें हाइड्रोस्केल्टन, हाइड्रोस्केल्टन वो होता है जी स्केल्टन ऑफ बॉडी विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लूइड फील्ड विद इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर आर कोइलोमेकिक कैविटी इज कॉल्ड हाइड्रोस्केल्टन, तो ये हाइड्रोस्केल्टन होती है। इसके अलावा एक्सोस्केल्टन भी आ जाता है इसमें, एक्सोस्केल्टन ये भी अहम सवाल है, हाइड्रोस्केल्टन और एक्सोस्केल्टन में क्या फ़र्क है, तो इन दोनों की डेफिनेशंस आपने लाजम तौर पर देखनी है। तो ये सवाल अक्सर पेपर में आ सकता है, तो इसके ऊपर भी आपने ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है, तो इनमें भी आपने लाजमी तौर पर इनमें तवज्जो देनी है। तो ये अहम टॉपिक्स हैं। उसके अलावा इसमें एक दूसरा फंक्शन ऑफ एक्सोस्केल्टन, फंक्शन ऑफ हाइड्रोस्केल्टन, इनके फंक्शंस भी आपने अलग अलग से लाजमी तैयार कर लेने तो इनके दरमियान वो फ़र्क पूछ सकता है। एंडोस्केल्टन, ये एंडोस्केल्टन है जो, इसके दरमियान भी वो आपसे डिफरेंशिएट इनमें पूछ सकता है। कार्टिलेज वगैरह क्या होता है, द कार्टिलेज इज कनेक्टिव टिश्यू मच सॉफ्टर देन बोन, तो ये मतलब ये एक कनेक्टिव टिश्यूज के तौर पर ही होता है, लेकिन ये बोन से, बोन की निस्बत ये ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है, सॉफ्टवेयर दैन द बोन। सम मेजर फंक्शंस ऑफ स्केल्टल सिस्टम, तो इसके ये स्केल्टल सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, तो ये आपने लाजमी देख लेने। बाकी इसके अलावा पास्ट बोर्ड्स, क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, इनके ऊपर आपने तवज्जो दे देनी है। ये देखें जिस तरह ये एक्सोस्केल्टन और एंडोस्केल्टन इसने डिफ्रेंशिएट कर रखा है, तो इनके ऊपर आपने तवज्जो दे देनी है और इनको आपने लाजमी जो है इनके ऊपर गौर करना है। इसके अलावा कार्टिलेज में और बोन में वो डिफरेंशिएट उसने कर रखा है, तो इनको भी आपने लाजमी तैयार कर लेना है। इसके अलावा इसका जो स्केच है, ये वाला स्केच, ये आपने लाजमी तैयार करना है, इसको ये इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर आप इसकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये आसानी से फिर इसको ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो MCQs हैं, ये भी आप तैयार कर सकते हैं इनके। जब आप इसका ये स्केल्टन देखेंगे तो आप इसको सारी आपको इसकी जो फंक्शंस वगैरह होंगे वो सारी समझ आ जाएंगे आपको। ये देखें, ये पास्ट बोर्ड्स, क्वेश्चंस, इनको आपने लाजमी देख लेना है। MCQs को भी आपने लाजमी देख लेना है, ये MCQs अक्सर इसी में से आते हैं। इजाज़त दें, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।